तालिबान का डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गानी बरदार अफगानिस्तान में ताकत में आया था 2021 में। ताकत में आने के बाद ही इसने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब ये यंग था, इसने कट्टर इस्लामिस्ट ग्रुप तालिबान को बनाया जिसने 1996 में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले लिया। 2001 में अमेरिका की मिलिट्री ने तालिबान को खदेड़ दिया, लेकिन मुल्ला बरदार पाकिस्तान चला गया और वहाँ पर मास्टरमाइंड बनकर अपने खूनी विद्रोह को इसने जारी रखा। 2010 में इसे जेल हुई, फिर 8 साल बाद इसे छोड़ा गया पीस नेगोशिएशन करने के लिए। मुल्ला बरदार ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, फिर 2021 में अफगानिस्तान में से अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को विड्रॉ कर लिया और अफगानिस्तान में तालिबान का इस्लामिक रूल आ गया जो काफी सारे लोगों के लिए डिजास्ट्रस बन गया। लगभग 1 मिलियन बच्चे यहाँ पर भुखमरी का शिकार है, महिलाओं से उनकी पब्लिक लाइफ को छीन लिया गया है। अफगानिस्तान पहला देश है जहाँ पर इलीगल है वुमेन को सेकेंडरी लेवल स्कूल में पढ़ाना, ज्यादातर प्रोफेशन में वो काम ही नहीं कर सकती।